किया है तो सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से 50 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपियों ने भोले भाले युवाओं को जालसाजी का शिकार बनाने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। छात्री ठग गिरोह का पर्दाफाश, सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लूटा, 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी, 15 युवाओं को बनाया निशाना। अंबिकापुर पुलिस ने ऐसे छात्र ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपियों ने 15 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाकर 50 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक हम लोगों ने एक यहाँ पे जो जिला पंचायत है वहाँ पे एक संगठित गिरोह का हम लोगों ने भंडाफोड़ करने में सफलता पाई है, जिसमें ये लोग लोगों को जिला पंचायत में नौकरी दिलाने के नाम पर, भृत्य की नौकरी या बाबू की नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। ये लगभग अभी हमारे पास लगभग 15 प्रार्थी मिल चुके हैं और इनकी संख्या बढ़ रही है, लगभग 1 करोड़ में जा सकता है इनसे जो पैसे वसूली किए गए हैं। तो ये वहाँ पर जो भी इनके मिलते थे ग्राहक, उन लोगों से ये लोग पैसे वसूल करते थे 3.5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, और जिला पंचायत में आपको बाबू की नौकरी या फिर चपरासी की नौकरी देंगे करके इन लोगों से पैसे लेते थे। इसमें मुख्य जो है वो यादव है, सुमित यादव, वो इनमें प्रोटोकॉल में गाड़ी वाड़ी लगाता था और ये बोलता था कि मेरे अधिकारियों के साथ संबंध है और उसी आधार पर ये लोगों से पैसे ठगी करने का काम करता था। इसमें कुछ और लोग भी थे उसके साथ में, जिसमें वहीं पर एक काम करने वाला बाबू मुन्ना दास है, वो भी उसके साथ था, जो इन लोगों को एक नियुक्ति पत्र जैसा प्रदान करते थे बाहर में ला करके, जिसमें सिल भी लगा हुआ था, रहता था जिला पंचायत का, जिससे लोगों को भरोसा होता था। और ये जिस दिन भीड़ रहती थी कार्यालय में उस दिन, या फिर जिस दिन सोना रहता था उस दिन, ले जाकर के इन लोगों को कार्यालय में भी दिखाते थे कि आप लोगों को यहाँ पर बैठना है नौकरी के लगने के बाद में। तो इससे ये लोग भरोसे में आ जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके झांसे में आते गए। तो ये इस तरीके से ये लोग अपना सिंडिकेट चला रहे थे। पुलिस को लंबे अरसे से शिकायत मिल रही थी कि शहर में एक गिरोह सरकारी नौकरी का झांसा देकर रुपए हड़पने का गोरख धंधा चला रहा है। जब सरगुजा पुलिस के पास मणिपुर में रहने वाले दिनेश प्रजापति पहुंचे और शिकायती आवेदन दिया, जिसमें उसने सतीपारा निवासी ललिता यादव पर जिला पंचायत में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपए ठगने का इल्जाम लगाया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, जिसके बाद सुमित यादव, ललिता मुन्ना दास, राजेश कुजूर पर जालसाजी का केस दर्ज कर दिया गया। मेरे हस्बैंड SSCL में जॉब करते हैं और हमारे पड़ोसी संजय साहू, फवियोला कुजूर, ये लोग बगल में आए और वो लोग हम लोग से बोले इनोवा क्रिस्टा आप गाड़ी निकलवाइए और कलेक्ट्रेट में चलवाइए। हम लोग जब इनकार कर दिए तो वो लोग बोले हैं कि हमारा खुद की गाड़ी चलती है आपको, पर उनको हमें मतलब उनका कहना कि हमको हर महीना मिलता था, आप लगवाएंगे आपको भी मिलेगा, और हम लोग उनके कहने पे लगवाए और सुमित यादव के पास ये गाड़ी चलेगी ऐसा बोले, हर महीना 40,000 मिलेगा बोले, पर आज तक उन्होंने 1 रुपये नहीं दिया और पूरे 8 महीना गाड़ी चली है, 3,20,000 हमारा पैसा उनके पास रह गया है और पूरी एकदम नई सोल्ड गाड़ी हम लोग उनको दिए थे और उनका कंडीशन खराब करके हमारा गाड़ी रिटर्न किया गया है। जैसे ही आरोपियों के हाथों ठगी का शिकार होने की पड़ताल की गई, तो एक के बाद एक कई फरियादी सामने आने लगी और सभी ने पुलिस को एक जैसी कहानी सुनाई, जिसमें आरोपियों के द्वारा लाखों रुपए लेकर जिला पंचायत में चपरासी, स्टेनो, ड्राइवर सहित अन्य कई पदों पर नौकरी लगाने का झांसा दिया गया था। नौकरी नाम लगाने के चक्कर में 4.5 लाख रुपए ली है ललिता भगत, कलेक्टर ऑफिस, दिसंबर में 2018 4.5 लाख नहीं लगा, सुनाई नहीं दे रहा है, यही कोतवाली थाना में अंबिकापुर या मणिपुर जी। शिकायतकर्ताओं से पूछताछ में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें पता चला है कि 1, 2 या 4 नहीं बल्कि इस गिरोह ने पूरे 15 बेरोजगार लोगों को ठगी का शिकार बनाया था, जिनसे ये गिरोह अब तक 50 लाख रुपए ऐंठ चुका है। अपने को नौकरी के नाम पे पैसा लिया गया है 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए खाद्य विभाग में बाबू के पोस्ट के लिए, फिर सुमित यादव और एक ललिता भगत दिसंबर में लिए थे, नवम्बर और दिसंबर में, एक तो मेरी मामा की लड़की है ना, दीदी है, हाँ उनके थ्रू हुआ था, ललिता भगत वैकेंसी निकाल दिए थे ऐसे ही फर्जी टाइप से, फिर बोले कि अभी इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा दिसंबर में, अभी लगभग होंगे 20-25 लोग होंगे अभी,
ये कोतवाली थाना में शिकायत किए हैं, मणिपुर थाना में। कितने लोगों के खिलाफ? बाबू के पद के लिए यहाँ पे हुआ है, तीन लोगों के खिलाफ, तीन या चार हैं कहीं। कैश दिए थे सुमित यादव और उसको क्या बोलते हैं ललिता भगत को। शहर में फैले इतने बड़े ठगी के जाल को तोड़ने के लिए पुलिस ने भी बेहद गोपनीय प्लान बनाया और इलाके के अधिकांश मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। तभी जांच कर रही टीम को एक टिप मिला जिसमें पता चला कि आरोपी सुमित यादव केदारपुर में है। बस फिर क्या था, मौका पाते ही पुलिस ने सुमित को दबोच लिया। इसके बाद सुमित ने ललिता भगत मुन्ना दास के साथ मिलकर सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने का गुनाह कबूल कर लिया और कई लोगों को इन्होंने ठगा भी है। हमारे मणिपुर चौकी में इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ था और इसके मास्टरमाइंड जो है वो सुमित यादव, इसको हम लोगों ने भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और मुन्ना दास जो इन लोगों को नियुक्ति पत्र ला करके देता था उसको भी हम लोगों ने अभी पकड़ा हुआ है। और कुछ लोगों के खाते में पैसे भी लिए डलवाते थे, अपने हाथों से ले रहे थे कुछ लोगों से, कुछ लोगों के को खाते में डालने के लिए पैसा बोलते थे। तो वैसे ही एक सौरभ चकियार नाम का आदमी के बारे में पता चला हुआ है जो इन लोगों के साथ पैसे को लेकर के अपने खाते में डालता था और उसको अलग अलग जगहों पर लोग उपयोग में करते थे। इसमें कुल एक संजय साहू जो पुलिस का जवान है उसके भी नाम सामने आ रहे हैं, ललिता भगत है और राजेश कुजू है, ये इनका भी नाम अभी इस पूरे गिरोह में शामिल है। अभी शासन के द्वारा जितने भी भर्तियां की जा रही हैं उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की जा रही है और अभी और भी कई ऐसे पद आने वाले हैं जो शासन के द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए किए जा रहे हैं। तो मैं और हमारे पूरे पुलिस परिवार की तरफ से, पुलिस अधीक्षक की तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोग किसी भी झांसे में ना आएँ और अगर ऐसा कोई आदमी मिलता है कि जो मैं नौकरी लगा दूंगा करके किसी से पैसे मांगता है तो आप कृपा करके इसकी सूचना पुलिस को दीजिए, पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। कोई भी किसी के कहने पर नौकरी नहीं मिलती है, पूरी पारदर्शिता अपनाई जाती है, पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही नौकरी लगती है। तो कृपया लोगों के झांसे में ना आए और अगर ऐसा कोई आदमी मिलता है जो ठगी करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना जो है वो दीजिए। हमारा पुलिस का नंबर आप लोगों के पास है और हमारे डिस्प्ले भी रहता है 9479193502501503। आप किसी भी नंबर पर कॉल करके हम लोगों को पुलिस को सूचना दे सकते हैं। आरोपी अपने शिकार से रुपए ऐंठने के बाद उसे फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा देते थे जो बिल्कुल असली की तरह लगता था। पुलिस ने सुमित की निशानदेही पर दूसरे आरोपी मुन्ना दास को भी गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में हर संदिग्ध ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। हवालात के लिए अंबिकापुर से रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हवालात में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे जुर्म की दुनिया की कुछ और दास्तानों के साथ। जब तक आप रहें सतर्क और सावधान।